गाइस वेलकम बैक टू और अनदर ब्लॉग। आज मेरा बहन का शादी, तो शादी में हम लोग तो अभी जाने वाले, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उसको एक मेमोरीज बना के सेव करने से अच्छा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करके रखता हूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा बहुत मेमोरीज जो रहेगा वो सेव करने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए होपफुली। तो चलिए फिर वीडियो पे अंदर चलते हैं। शायद करके इस पर ज़्यादा करके वॉइस ओवर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना मेरा वॉइस पहले डाले, क्योंकि वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना करने के लिए। और चले भी वीडियो में चलते और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ वीडियो में किधर जाएंगे क्या करेंगे करके। चलो हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो अभी शादी होने से पहले सबके घर में आके बोलना रहता है, तो आ जाओ भाई आ जाओ करके। तो अभी सबके घर पे जाके बोल रहे हम लोग, तो भाई लोग सब लोग हम लोग सब जा रहे, जो भी रिलेटिव रहेंगे उनका घर पे आके बोलना पड़ेगा कि आ जाओ करके, तो आएंगे कुछ, उसके बाद शादी का सब प्रोग्राम होगा। हम लोग जरा सर सबके घर पे इनवाइट करने का बिजी में, और थोड़ा पोंगल खाने का इस पर हम लोग बिजी हो गए थे, और लड़के का घर वाले आ गए और उन लोग हम लोग के लिए वेट कर रहे, तो अभी हम लोग को जाना होगा जल्दी। देखो सामने सब लोग रुके हैं। हाँ हाँ बस भी आ गया है, हम लोग को ही वेलकम करना और उन लोग आके वेट कर रहे हम लोग को वेलकम करने से पहले। फोटो यहाँ पे लोग पटाखा रख रहे हैं, तो यहीं पे सब लोग बैठे और यहीं पे आके बैठेंगे, यहीं पे सब कुछ आरती होगा। और जब देख रहे हो ये सब कुछ यहाँ पे इसे रखकर जो दुल्हन आएगा उनको इससे आरती उतारा दिया जाएगा।
எல்லாரும் நம்ம அண்ணன் தங்கச்சிங்க போதுமா अभी आप जो देख रहे हो इस पे क्या है कि ना लड़की के जो मामा रहते हैं उनको रखकर एक छोटा सा फंक्शन होता है शादी से पहले। वैसे भी साउथ में हर एक फंक्शन से पहले लड़की लोग का उनका मामा का ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सेम वॉइस ऐसे भी है। अभी आप जो है फंक्शन देख रहे हो इस पर क्या है कि अभी जो पत्ता है उससे लड़की के जिसके शादी होने वाले उसको नज़र होता ना, जैसे एक फंक्शन होता है जिसको आलंदारा करके एक बोलते हैं, जिसपे सिर्फ घर वाले ही नहीं उस पर बल्कि जो अपने घर के जो रिलेटिव रहेंगे पूरे रिलेटिव जो भी रहते उन सब में से एटलीस्ट एक बंदा तो आकर वहाँ पर रुकते ही है और सब लोग आकर ही करते, छोटे से लेकर बड़े तक का सब लोग आना ही पड़ता है इस पर। मगा
तुम्हें।